सर अली, आपको पौने दो साल पहले कमर में चोट लगी थी जिसकी वजह से आपके दोनों पैर में फालिज आ गया था जी। और जब वो नहीं सुधरा तो आप करीबन 1:30 बजे पहले मेरे पास आए स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए जी। और पहली डोज आपको बोन मैरो के थ्रू दी गई, बोन मैरो से स्टेम सेल बना के आपकी रीढ़ की हड्डी में डाली गई जी। ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये 1.5 महीने में आप में कोई सुधार आया है कि आप जैसे थे वैसे ही? थोड़ा बदलाव तो आया जी। क्या बदलाव आप बताएंगे? कैसे आप इसे, मैं तो पहले बैठने में इसमें वैसे महसूस होया, थोड़ा महसूस महसूस मतलब कि सेंसेशन आया है, मतलब छूने पे मालूम पड़ता है क्या? जी जी हाँ, मतलब जैसे मैं यहाँ पर छू रहा हूँ। जी हाँ, मालूम हो रहा है आपको? मालूम हो रहा है जी। पहले नहीं मालूम हो रहा था जी। जी। अच्छा, और ये साइड इसमें कुछ कम है जी? इसमें कुछ कम, इसमें तो बिल्कुल पूरा है, एक बार खींचे वो दुख है। इसमें बाल भी खींचो तो भी मालूम पड़ रहा है जी? हाँ, इसमें कम है। अच्छा, ये पैर के पंजे पे छू रहा हूँ तो मालूम हो रहा है आपको? हल्का सा मालूम होती है, हल्का सा मालूम हो रहा है। अच्छा, और अगर हमने चिकोटी काटी है, पेनफुल क्या है ये मालूम हो रहा है? चिकोटी को ही काट रहा है, हल्की सी मालूम इसमें होती है। अच्छा, मतलब दाहिने में उतना फायदा नहीं हो रहा जितना लेफ्ट में हो रहा है आपके हिसाब से? जी हाँ। अच्छा, और आपका जो लैट्रिन और पेशाब के ऊपर कंट्रोल है वो पहले जैसा ही है कि उसमें भी कुछ फर्क आ रहा है? थोड़ा लैट्रिन में फर्क आ रहा है, थोड़ा फर्क है, महसूस नहीं होती। नहीं, वो तो आप पहले बता रहे थे कि हमारा मतलब जो है कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, और ट्यूब डाल के ही हमेशा पेशाब निकालना पड़ता है, और लैट्रिन के लिए भी आपको जो है कुछ ना कुछ मदद लेनी पड़ती है जी। जी, तो क्या आपको कुछ महसूस होता है जो पहले नहीं हो रहा था? नहीं महसूस तो नहीं, मतलब जैसे थे लैट्रिन और पेशाब के मामले में वैसे ही वैसे ही। जो कुछ भी अभी 1.5 महीने में आपका फर्क आया वो सिर्फ इतना है कि सेंसेशन थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा, वो भी बाईं तरफ ज्यादा आ रहा है, दाहिनी तरफ कम है जी। ठीक है जी। अच्छा, और इसकी पावर में मतलब कि आप इसकी हरकत कुछ कर सकते हैं पैर में? थोड़ी सी इसमें जैसे पैर रहे हैं मैं, हाँ, थोड़ा हल्का सा लगा हुआ सारा एक टांग। मैं ठीक से समझा नहीं आपकी बात, जैसे थोड़ा सा सारा टांग रखिए मोड़ सकते हैं, थोड़ी सी टांग ये लगा सारा साल बड़ा सा जैसे अलावा थोड़ी बहुत अलग भी आई। अच्छा, थोड़ी सी हिल जाती है, मतलब पहले नहीं हिलती थी? हाँ जी, वो अच्छा। दाहिने वाले में अभी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जबकि लेफ्ट साइड में हो रहा है जी। जी हाँ, और इसमें हल्का हल्का मूवमेंट भी आपके हिसाब से आया है जी। जी अच्छा, पैर की उंगलियां जरा हिला के दिखाएं अगर आप कर सकते हैं तो, पैर की उंगलियों की बात कर रहा हूँ। नहीं जी, नहीं, पैर की उंगलियों में नहीं। अच्छा, जांघ को ऐसे उठा के दिखा सकते हैं वो वाली को, दाहिनी को? अच्छा, ये मूवमेंट आप 1.5 महीने पहले कर सकते थे? नहीं जी, नहीं कर सकते थे। मतलब आपको लगता है कि कुछ शुरुआत हुई है? थोड़ी शुरुआत हुई, शुरुआत हुई है। चलिए, अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। थोड़ी सी दवा हम चेंज कर रहे हैं आपकी, वापस स्टार्ट करिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये है कि अब दूसरा सेशन आप देख ले, आपको अभी करीबन लगभग 2 महीने तो होने ही आ गए, अगर अगले महीने करा लें तो आप करा सकते हो। सो नाउ यू कैन सी दैट ही इज अ केस ऑफ पोस्टोमेटिक पैराप्लीजिया एंड he got the injury about 2 years back and he was not improving, but he has started showing the signs of improvement after first session of bone marrow autologous stem cell transplantation, which was done intrathecally as well as IV about 45 days back. And the sensation is both, the improvement is both in the sensory as well as in the motor power, and now he is having definite touch sensation in the left lower limb. It is in the movement is on the both sides, but left is more than the right. Similarly, now he can lift up the thigh, which he wasn't earlier. So at least there is grade 1 power gain in the left lower limb on the left side. जैसे दवा चलती रही थी, बीच में कोई बताया था कि तुम आप खैर देख लो, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, रुआ रुआ है, अभी कुछ नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि पहले बता देना, फिर कुछ गुंजाइश करवा देना इसमें 2 महीने बाद में। बहुत गरीब आदमी। अच्छा जी, नमस्कार।